Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions. Alright, so hey guys, what up, where this is Ajuner, back with again with a new vlog. बहुत दिनों बाद सबको पता है क्या सिचुएशन चल रही है अपने भीलवाड़ा राजस्थान में. सो यार बाहर जाने का कुछ टाइम मिल नहीं पा रहा, ब्लॉग कैसे करें कुछ मिल नहीं रहा है, और ऐसे सिचुएशन में बाहर जाना सही भी नहीं है. सो यार बड़ा खुल चुका है, आज है 9 तारीख एंड हेयर कट के लिए जा रहे, तो देखते क्या सीन है. सो वो भाई हेयर कट वाले ने बहुत पचाया हमको उस उम्र भाई, कब ओपन करा, तो फाइनली इसने शॉप ओपन करी एंड अब जाएंगे बाल वाल कटवाएंगे, देखेंगे क्या सीन है और आज करके कवर कर सकते हैं. बस बहुत दिन हो गए फास्ट फूड खाए, सो खाएंगे कुछ ना कुछ. शायद आप पंचायत नहीं करेंगे, सीधे जाओ यार, देखो तुम तो ब्लॉग देखो, एंजॉय करो. Alright, so guys, final देखो बाल कट चुका है. लो भैया बहुत सही, भाई का आर्ट भैया बहुत सही है यार. इतने दिन से शकल की ऐसी तेज हो रही थी, अब जाकर शकल हो गई एकदम सही. भाई कैसे हो गए, अब लग रहा है इंसान बन गए ऑफिस से. और यार जाओ भाई से बाल कटवाओ यार, अपने न्यू बापू नगर बिल्ला के बॉर्डर पर है भाई का शॉप, नियर विकास की किराना स्टोर के पास में. जाओ बाल कटवाओ. सर नहीं बाल कटवाए सर, कैसा फीक है, कैसा कुछ क्या क्या रिव्यू देना चाहते लौंडे के लिए. एक नंबर है, बहुत सही बाल काटता है, बहुत सही, एक नंबर शकल जा. अपने जो बापू नगर और न्यू बापू नगर में जो बंदा रहता है वो तो भाई उससे कटवाओ, बिल्लिया के अंदर जो रहता है उससे कटवाओ, वो ना पैसा भी कम लेगा काम भी बहुत सही करेगा. मात्र 60 120 रुपये हमसे. आज बापू नगर एक्सप्लोर करेंगे पूरा, आज पूरा बापू नगर एक्सप्लोर करेंगे. करना कुछ है नहीं तो पैदल देख लो, पैदल घूम रहे चड्डे में घूम रहे भाई, चड्डे में ब्लॉग कर सकते हैं. और चप्पल नहीं आते वो तीखे तीखे उसमें नहीं रहते, एक्यूपंचर क्या बोलते उसके साथ, एक्यूपंचर से कुछ चप्पल बोलते वाली चप्पल पहन रखी है 80 रुपये वाली बेराटी वाली चप्पल और नीले कलर की. तो हमारे बापू ने कुछ सीन पीछे मेरी जिम थी निकल गई और पैदल पैदल जा रहे हैं. हम देख रहे हैं अगर आगे कुछ खाने को मिलेगा चौपाटी पे, भूखे हम लोग फास्ट फूड खा जाना. अगर आज खा लेंगे जाने कितने महीनों बाद, 2 महीने बाद फास्ट फूड खाने को मिलेगा. कल खाया था पहले पिज्ज़ा और वो सैंडविच, वो बात अलग है, और चाउमिन अलग फास्ट फूड है. सोया चलो देखते हैं. मनीष ने डिलीवर किया था आज, कोल्ड कॉफ़ी पूरी नहीं थी, आधी थी, वो रास्ते में पी गया था उसकी सेटिंग के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, वो कह रहा था तो शायद आधी पी गया होगा वो. था दोनों, मतलब कि वो पैकेजिंग में ऐसा लग रहा था कि नहीं, ढक्कन में थोड़ा सा खुला हुआ था और स्ट्रो के अंदर भी थोड़ी वो नली भी एक ही दी थी. देख लो कुछ ना कुछ सीन था. और मार्केट में जैसे नए नए ब्लॉगर आते जा रहे हैं भीलवाड़ा में, तो बहुत सारे हो गए हैं अब, इसलिए हमको भी हम पीछे नहीं रहेंगे, अभी कंटेंट डेली डालेंगे, अब इतना हो सके कंटेंट शेयर करेंगे आप लोगों से. हमको ना पी ऐसे कुछ टाइम हो गया जब हमने ना लाइक कि डालना बिल्कुल बंद, कुछ टाइम के लॉकडाउन लग गया यार, क्या अगर कुछ कर भी नहीं पा रहे थे स्वयं. तो अब ये गेमिंग चैनल बनाएंगे बहुत जल्द स्ट्रीमिंग के लिए, घर पर बिजी ज़्यादा थे अब जाकर फ्री हुए हैं और बिना मास्क से घूम रहे. मास्क पहनो यार, हमने बाल कटा इसलिए मास्क नहीं पहना भाई, मास्क पहनना अनिवार्य. इसी के साथ बापू नगर के कोने पर आ चुके हैं बापू ने पारक, हमसे कॉपी रिक्शा का जाएगा बंद कर देना है. ओके सो गाइस, इसी के साथ
ये बापू का कोई कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर बैठ कर विश्राम ले रहे हैं। यहाँ तक तो अगर ठीक है, और पता अगर आगे चौपाटी खुली नहीं खुली ये भी पता नहीं अभी। और बज रही है अभी दोपहर के 12:30, 4 बजे तक अगर वो क्लोज, 4 बजे तक क्लोजिंग टाइम है तो शायद खुली रहनी चाहिए, क्या पता ना हो तो फिर। सो अभी तो देखते यार, खुले हो भगवान, बहुत दिनों कुछ खाया नहीं, आज चाउमीन मंचूरियन या पाव भाजी या मोमोज कुछ तो मिल जावे, बहुत तड़प रहे सुबह से। चलो यार थक गया, अब यहाँ से वापस जर्नी स्टार्ट करता, आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। कनेक्टेड ना कर हम आए ना, ये ब्लॉग जरूर आएगा। यात्रा एक बार फिर से स्टार्ट होती है, धूप में वापस आ चुके, देखो बहुत तेज धूप है। ओके सो गाइस, कम से कम भी 50 किलोमीटर चलकर यहाँ बापू नगरी चौपाटी तक आए, जो कि पार्क के पास में, और बंद है यहाँ, ठेले धोरे बोल रहे भैया क्या है, क्या चाहिए? 3 रुपए हमको चिल्लर दिया, भाग जाओ सालो, दिखाई मत देना। फिर वो आंटी जी यहाँ एक डेयरी खुली है, तो सर इतने दूर पैदल आए तो कुछ ना कुछ तो खा के जाएंगे ही जाएंगे। दिल तोड़ गया पूरी तरह से, हमने सोचा आज चाउमीन खाएंगे, मंचूरियन खाएंगे, मोमोज खाएंगे, पता नहीं क्या खाएंगे, पर अलिया सब कुछ अब पी रहे हैं। अब अफसोस हो रहा है क्यों आए यहाँ पर, काश घर ही होते हैं। रोटी सब्जी घर की बढ़िया थी, पर उसमें सुकून था, यहाँ पर आया सुकून भी उड़ गया हमारा। मेरा घर तो पास है, तू कैसे जाएगा? तेरे को तो मेरा डबल चलना है, मेरा घर बहुत पास में, घर बहुत दूर है, सही में ये कैसे जाएगा, सवाल ये उठ रहा है। दीदी आएंगे हेलीकॉप्टर लेके, अभी ट्वीट करना, ट्वीट करना, वीडियो कॉल करना, उठाने फोन उठाने रे मोदी जी, साइलेंट पे फोन। अरे भाई यार साइलेंट में था यार, एंड में फोन उठा रहे यार भाई, क्या यार, अरे क्या यार उस्ताद यार, चलो ठीक है इंतजार करते हेलीकॉप्टर कब आता है, आ जाए हेलीकॉप्टर। ओके सो गाइस, मोदी जी का हेलीकॉप्टर का तेल 500 चौराहे पे नट गया, पेट्रोल पंप वाला नाटक करा दिया, 12 बजे के बाद अलाउ नहीं है पेट्रोल भरना, उस्ताद कह रहे हमेशा यार बापू ने पार्क ही जाना, हमेशा यार देख लो यार, मना कर दिया, साफ मना कर रहे हैं और बोल रहे नहीं आपको पेट्रोल नहीं भर सकते आप लोग। सो मोदी जी वहीं रहेगा रास्ते में, देखते घर हम कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, और ये सारा रेगिस्तान से भी तपती धूप। और मैं सुबह नहा लिया और जस्ट घर से निकला वापस कुछ सामान लेने के लिए, धूप में तरबूज देखते, तरबूज है ये देखो, चूते से तरबूज ले घूम रहा हाथ में, घर वाले कुछ भी करवा सकते हैं लिटरली, क्या ही बोले, बट जिंदगी होता रहता है, तरबूज खाएंगे अब तो घर जाके, यस। और राइट सो गाइस, जो भी तुमने यार अभी कंटेंट देखा वो कम से कम 3 से 4 दिन पुराना है, वो 9 तारीख को शूट किया था, आज शायद 12 तारीख है, तो 3 दिन हो गए, 3 दिन पुराना, और अब जाकर उसको एडिट करके मैं अब डाल रहा हूँ, आप लोग अब देख रहे हो। सो यार जिनको भी लगता था ना कि मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा मैं, आऊंगा मोचे से आऊंगा, क्लास में बिठाऊंगा, स्टे ट्यून्ड।